तो आप सभी के काफी सारे कमेंट्स आने के बाद यहां पर जो है मैंने डिसाइड किया कि यहां पर मैं लिटिल नाइटमेयर्स का जो डीएलसी वाले पार्ट है वो यहां पे खेलने वाला हूं, क्योंकि यहां पे हमने लिटिल नाइटमेयर्स 1 को तो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था एक लंबी वाली आंटी को मार के रिफ्लेक्शंस का यूज करके, बट उसके कुछ डीएलसी पार्ट भी बचे हुए हैं जो कि आज से हम यहां पे खेलने वाले हैं। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि आप लोग ना वीडियो देख के तो चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब जो है बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए यहाँ पे जो सब्सक्राइब का जो रेशियो है वो यहाँ पे 4.4% है जो कि यहाँ पे काफी कम है। कम से कम आप जो है इसको सब्सक्राइब करके 5% तो जो है कर ही सकते हो। तो फटाफट इस गेम को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर अगर आपने हेडफोन से लगाए तो जल्दी से हेडफोन लगा लो क्योंकि बिना हेडफोन के जो है मजा नहीं आने वाला है। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो गेम है वो तो स्टार्ट हो चुका है, डीएलसी पार्ट है एक, और इस डीएलसी पार्ट में मेरे हिसाब से ये वाला जो सीन है वो हमने इसके पार्ट 1 में भी देखा था, जब ये पानी से होते हुए एक आइलैंड पे पहुंच जाता है एक लंबे से टावर में, बट यहाँ पर इसको कोई जमीन के अंदर खींच रहा है, पानी के अंदर खींच रहा है। एक सेकेंड, ये ना इसका सपना ही था भाई, तुम सोचो अगर ये पानी के अंदर जाता था तो ये मर ही जाता बिल्कुल। और अभी ये सोके उठा हुआ है, यानी कि इसको अपने मुंह ही मतलब मुंह को धोने की ज़रूरत तो ज़रूर से पड़ने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपना ये जो मुंह है वो धोने वाला है। और मेरे हिसाब से मुझे यहाँ से कहीं और जाना है क्योंकि मुझे यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, और अगर मैं इस, एक सेकेंड ये वाला डोर तो खुल गया, एक सेकेंड मैं पहले उस साइड भी होके आता हूँ, शायद से उस साइड मुझे कुछ नया मिल जाए, मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर वाला जो दरवाज़ा है ये बंद है, यानी कि मुझे जो है यहाँ पर लेफ़्ट साइड से ही जो है जाना पड़ेगा। और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये है अपना 6, और जो लिटिल नाइटमेयर्स 2 में आपने देखा था वो था अपना द गर्ल इन द येलो रेनकोट। लेकिन आप ऐसे काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि वो यहाँ पे 6 ही है, बट मुझे तो अभी भी डाउट है, वो तो जब लिटिल नाइटमेयर्स 3 आएगा ना तभी पता चलने वाला है कि वो 6 है कि यहाँ पे कोई और है। खैर यहाँ पे वो नीचे वाला जो मॉन्स्टर है ना जिसकी जिसकी आंखों में पट्टी लगी है वो अभी तक यहाँ पे घूम रहा है। खैर उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं आ चुका हूँ इस कमरे में और यहाँ से चलता हूँ मैं फटाक से नीचे। ओ भाई बच गया, अगर यहाँ पे एक सेकेंड, ये पैरों के निशान किसके हैं, मेरे तो नहीं है, इसके अंदर कोई टोपी वाला तो नहीं है, ये आवाज़ क्यों आ रही है मुझे पता नहीं क्यों आ रही है लेकिन ठीक है। एक सेकेंड, ओ ये तो वही स्लाइम है, ओ नीचे की तरफ ये भी चालू हो चुकी है, यानी कि अभी मुझे बचते बचाते यहाँ से जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ वाला जो लंबी मतलब जिस मॉन्स्टर को दिखाई नहीं देता वो तो यहाँ पे नीचे की तरफ ही है। इस दरवाजे को मुझे खोलना पड़ेगा, लेकिन ये दरवाज़ा मेरे हिसाब से इतनी आसानी से जो है खुलने नहीं वाला, इसके लिए ना मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए पड़ेगा। हाँ और मेरे साथ अभी मतलब मोनो के, अगर मैं लिटिल नाइटमेयर्स 2 खेलता तो मोनो के पास तो यहाँ पे कोई रहता, लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास कोई नहीं, और मेरे हिसाब से मुझे ना यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए। ओके मतलब कहने का मतलब मुझे ना पुश देने वाला कोई नहीं, अगर पुश देने वाला कोई होता तो मैं फटाक से उस गेट को यहाँ पे ओपन कर लेता। खैर यहाँ पे अभी नीचे की तरफ चलता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही नीचे की तरफ जंप कर दिया, कोई नहीं अभी इस लाइट से बचते हुए मुझे आगे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता। एक सेकेंड, सामने की तरफ आपने कोई देखा क्या, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ये मेरा ना फ्रेंड बन सकता है अगर मैं इसको अपना फ्रेंड बनाना चाहूँ, उसके पास जाके पूछता हूँ इससे। ओ ये तो टॉर्च लेके भाग गए यहाँ से, ये तो गजब ही है, इसके पास मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। ओ शिट, नहीं गलती कर दी, मुझे जंप कर देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं फिर से यहाँ पे जो है ट्राई कर लेता हूँ, वो यहाँ से भाग तो गई है। ओके जैसी उस साइड देखने वाली ना वैसे मैं इसके पीछे जो है भागने वाला हूँ। ऑल राइट, अरे जल्दी जल्दी जल्दी, बच गया मैं। अभी इसको देखता हूँ ये कहाँ गई है, ये कौन से गेट के अंदर गई है, इसको मुझे देखना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे दिखाई दे नहीं रही है। एक सेकेंड, शायद से वो इन के अंदर से बाहर की तरफ चली गई होगी, और मुझे ये कोई खेलने वाला कमरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर गोल गोल झूलने वाले झूले भी लगे हुए हैं, और मेरे पास एक सेकेंड मैं चालू कर सकता हूँ क्या वो लाइट, क्योंकि मुझे पता है इसमें मैं लाइट चालू कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी लाइट ही नहीं है, क्या बात है, चालू ही नहीं हो रही है, मतलब जो लाइट है मतलब मुझे बिना लाइट के आगे की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर सीसॉ भी रखा हुआ है, खैर यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एक सेकेंड, ओ मतलब ओ भाई भाई गजब है, मतलब ये नहीं चाहती कि मैं इसके ऊपर जाऊँ, इसने ना कुछ वो रस्सी वगैरह बांध के मतलब साड़ी वगैरह नहीं करते अपन, साड़ी वगैरह को खिड़की से लटका देते हैं बांध के, वो इसने किया
और ये ऊपर की तरफ चली गई। खैर अब मैं क्या करूँ, यहाँ से ऊपर निकला तो इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर अभी ना मुझे कुछ जुगाड़ वगैरह जो है देखनी पड़ेगी, और उसके लिए यहाँ पर गेट वगैरह तो लगा हुआ है। लेकिन एक सेकंड, मैं इसके ऊपर जंप कर सकता हूँ क्या? नहीं। ओके समझ गया, मैं इसको खिसका सकता हूँ। हाँ, और इसको खिसका के मैं ना डायरेक्टली उसके ऊपर चढ़ जाऊँगा, तो फिर उसका पीछा कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जानना तो पड़ेगा कि आखिर में वो है कौन, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें ना लिटिल नाइटमेयर्स वन में, हमें वो देखने को नहीं मिली हुई थी। ऑलराइट, ये लगाए जंप, ये इसके ऊपर, और मुझे अभी किसी कपड़े या साड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं है। चलो, ओ भाई, मतलब उसने यहाँ से इसको नहीं निकाल पाया और ये यहाँ से भाग रही है। ओके चलो, ओ भाई यो, अभी यहाँ पर जो है मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। बस एक बार ये मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ से बस मैं गिरूँ ना। ओके चलो, वैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ तो छोड़ सकता हूँ, यहाँ तो छोड़ूंगा तो मैं गिरूँगा तो नहीं। हाँ बच गया, मतलब गिरा तो लेकिन बच गया मैं। फटाफट इसके पीछे पीछे चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से ऊपर जाने के लिए मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओके इसके ऊपर, फिर यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी ना इसको भूख लगने लगी होगी, क्योंकि काफ़ी देर से इसने कुछ खाना पीना नहीं किया है। अगर मैं इसको खोल दूँ यहाँ से, वैसे नीचे जाने का रास्ता तो मेरे हिसाब से इस गोल गोल में से है, ये खुल भी नहीं रहा है। और ना ये ऐसे नहीं खुलने वाला, तो मुझे ये भी नहीं खुलने वाला, तो मुझे लग रहा है कि मुझे यहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी यहीं से गई होगी। ओ भाई, ये तो एकदम खिसल पट्टी बन गई, और मैं आ चुका हूँ एक पानी वाली जगह पे। ये वही जगह तो नहीं है जहाँ से मैं स्टार्टिंग से आया हुआ था और इस मॉन्स्टर ने मुझे नीचे की तरफ खींच लिया था। खैर अगर ऐसी कुछ बात होने वाली है ना, तो यहाँ पर वो तो मुझे आगे की तरफ चल कर ही जो है पता चल जाएगा कि आखिर में ऐसा कुछ है भी या फिर नहीं है। खैर वो जो पानी है वो ज़्यादा गहरा था, लेकिन ये वाला पानी उतना गहरा नहीं है, और मेरे हिसाब से उसने ना ये वाला जो प्लैंक है हटा के ना वो आगे की तरफ गई होगी। तो क्या मैं इसके अंदर से जा सकता हूँ, ये छोटे वाले पाइप के अंदर से? लग तो मुझे रहा नहीं है, नहीं जा सकता, मुझे कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि मैं इसको खिसका सकता हूँ, खिसक सकता है क्या? ओ हेलो, नहीं, हाँ खिसक सकता है, बढ़िया, खींच इसे, खींच खींच। ये मेरे हिसाब से किसी का सूटकेस है, फटाफट इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। वैसे और कोई जगह तो है नहीं यहाँ से कि मैं निकल जाऊँ, बट अच्छी बात यही है कि यहाँ पे जो पानी है ना ये ज़्यादा उतना गहरा नहीं है, नहीं तो अभी निकलना मुश्किल होता है। और मेरे हिसाब से जो बैग है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक का नहीं होता तो अब तक तो ये डूब जाता, लकड़ी वगैरह का होता नहीं, लकड़ी वगैरह का होता तो भी नहीं डूबता ये। ऑलराइट, ये आया मैं इसके ऊपर, पकड़ ले। ओके मुझे प्लैंक को हटाना पड़ेगा क्या कि ऐसे निकल जाऊंगा? नहीं, और उसने अपनी जो टॉर्च है वो यहाँ छोड़ दिया है। वाह, मैं टॉर्च को चालू क्यों नहीं कर पा रहा? हाँ अब हुई ना चालू। ओके मेरे हिसाब से कोई उसे उठा कर ले गया, क्योंकि यहाँ पर ना, ओ मेरे हिसाब से वो यहीं पर ही गई है, उठा कर ही ले गया, वहाँ पे कुछ पड़ा। ओ भाई ये तो स्लाइम है, इनसे मुझे बचकर रहना है, नहीं तो ये अगर चिपक जाते ना तो पूरा खून चूस लेते हैं। चलो फिर से पानी, टॉर्च को बंद कर लो। ओ भाई बाल बाल बचा मैं, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, नहीं मैं बच जाऊंगा। ओ शिट, मैं बचूंगा कैसे अब इस बार? ये तो भाई मगरमच्छों की तरह एकदम लपेट लेते हैं अपनी पूछ को, इनकी पूछ तो खैर होती नहीं है। एक और बार ट्राई करते हैं, इस बार मुझे भागते रहना है बस अच्छे से। यहाँ तक एकदम टाइप की स्लिम, यहाँ से एक कहाँ जाऊँ मैं? ओ भाई बस मैं उसको पकड़ने वाला था, इतने में कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इस बार कोई गलती नहीं होगी, सब कुछ सही रहा तो कोई क्या गलती होगी। ठीक है मुझे इस साइड में आना है या जब मारना है? पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, बढ़िया बढ़िया, मतलब बाल बाल बच गया मैं, थोड़ी सी गलती हो जाती ना तो बस ख़त्म था फिर तो सब।
मुझे पीछे की तरफ जंप लगानी है, ठीक है। अब मैं जंप नहीं लगा सकता हूँ, यानी कि 1 2 एंड पकड़ लिया। यहाँ पर तो नहीं है भाई स्लाइम, लग तो नहीं रही है मुझे। वैसे आगे चलकर कुछ पता नहीं है कि होगी या फिर नहीं होगी, वैसे लग तो नहीं रही है। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। अभी मैं जैसे अंदर आया तो लाइट बंद हुई ना, पता नहीं किसी ने लाइट वगैरह बंद की कि क्या सीन है। ओहो, मेरे हिसाब से ये वो गहरा वाला पानी है जहाँ पर कि मुझे मॉन्स्टर नीचे की तरफ खींच लेता है, या फिर नहीं। आगे की तरफ चलकर पता चलने वाला है। और जिसके पीछे मैं जा रहा हूँ ना, वो मुझे काफ़ी देर से दिखी भी नहीं है, जब से उसने अपनी टॉर्च चलाई है जब से मुझे वो दिखाई दे नहीं रही है। हो सकता है कि वो मुझसे पहले निकल गई हो। सबसे बचते बचाते, ओ भाई यहाँ तो बहुत सारा पानी है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा इतना सारा पानी यहाँ पे है क्यों। ऊपर जाना है क्या? ओ हेलो, नहीं ये निकालता हूँ। मतलब कि अगर ये निकला नहीं है तो समझ जाओ कि वो यहाँ तक पहुँची नहीं है जिसका पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। खैर आपको क्या लगता है कि जिसके पीछे मैं जा रहा हूँ वो आखिर में कौन है? अगर आपको बताओ तो ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। ओ भाई ये मॉन्स्टर आ गया शायद, मरवा दिया। ये पीछे की तरफ ही है। भागो 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 भागो, भाग जाओ। ये भाई स्लैम तो नहीं होने वाला, ये तो कोई और मॉन्स्टर लग रहा था मुझे, जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह। खैर अभी वो यहाँ पर भी आ सकता है ना, कि यहाँ पानी तो भरा नहीं है तो मुश्किल है कि वो यहाँ पर आ पाए। बट यहाँ पे स्लैम चिपकी हुई है, वाह। अभी मैं कैसे इनसे पीछे हटाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना तो इसी रास्ते से है ना। क्या करूँ, अगर मैं इसमें फेंक के मारूंगा तो जा सकता हूँ क्या? एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1 2 एंड 3, नहीं हुआ कुछ भी। इनके पास से लेना सही रहेगा क्या? वैसे मैं भागने का प्लान है क्या मेरे पास कुछ? वैसे यहाँ से ना, यहाँ पे दो दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इस बार मारता हूँ ढक्कन उठा के, मतलब एक कैन है, कह सकते हैं मैगी का कैन है। ओ भाई मरवा दिया, हटी क्या? ये यहाँ पर आ चुकी है। ओ ये क्या मजाक था, ये तो इसके ऊपर भी आ सकती है। मुझे लगा इसके ऊपर पानी नहीं है तो ये नहीं आ पाएंगी। मतलब कि यहाँ पर ना मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अंदर जा सकता हूँ क्या मैं? हाँ मैं इसके अंदर जा तो सकता हूँ, लेकिन बस मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ है ना। तो यहाँ पर कुछ और अगर दिमाग लगाया जाए तो यहाँ पर कुछ रास्ता है क्या? यहाँ पे जमी रखी है, पता नहीं इसके अंदर इनको कुछ शहद वगैरह मिल रही है। ऐसे मधुमक्खी चिपक नहीं जाती, वैसे ही चिपकी हुई है यहाँ से। चलो फिर से, ठीक है एक काम करता हूँ, मैं वहाँ जाके एकदम इसके ऊपर जाके चिपक जाता हूँ मैं मक्खियों की तरह। ओ चिपक जा चिपक जा चिपक जा चिपक जा, वो पागल है क्या? खड़ा क्या है वो, शक्ल देख रहा है मेरी। तो अब तो मेरे पास ना यहाँ पर सिर्फ एक ही आइडिया रह गया है कि मैं इनको ना इनकी खोपड़ी में एक बार बजा के ना इनको गोल गोल घुमाऊँ बंदरों की तरह। आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हारी तो आ जाओ, मैं इधर हूँ, हेलो आ जाओ। अब मुझे भागना पड़ेगा, आ जाओ, तुम्हारी तो ऐसी कम तैसी, आ जाओ। और यहाँ से फाइनली मैं बच के निकल जाऊँगा। अच्छा वो मैंने पहली बार पकड़ लिया, नहीं तो मर जाता मैं। और अभी वो उसी रास्ते से जाके चिपक जाएंगे वापस से। अभी यहाँ पे अलग अलग रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, मुझे लग रहा था अलग अलग। हो भाई बच गया, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, यानी कि ऊपर की तरफ ही जाना होगा मुझे। ऑल राइट, तो अभी अपना जो 6 है ना वो यहाँ पे बन चुका है, क्या कह सकते हैं इसको, अभी ये बन चुका है स्पाइडरमैन। ओके तो यहाँ पे एक लीवर भी है, बट लीवर को घुमाने से पहले मुझे क्या लग रहा है कि मुझे अपना जो हैट था वो यहाँ पे चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैं अपना जो हैट है वो भी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, और मुझे अभी कोई भी हैट वगैरह नहीं मिला हुआ है। खैर मैं इसका क्या करूँगा, इसको तो सबसे पहले मैं घुमाता हूँ। 1 2 एंड 3, जोर लगा के नहीं हो रहा है, फिर से 1 2 3, जोर लगा के हाईशा नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक और लीवर है ना, और यहाँ पे गिट भी है,
तो क्या मैं इस लीवर को उठा सकता हूँ? एक सेकेंड, हाँ अब वही ना बात, फिर से स्पाइडरमैन बनने का टाइम। हाँ अभी पीछे ये पकड़ लिया मैंने, ऑल राइट ये यहाँ पर चालू हो चुका है। अभी मैं इसको घुमा सकता हूँ शायद, क्योंकि प्रेशर वगैरह चालू हुआ है मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। अभी घूम सकता है, 1 2 3 जोर लगा के हाइशा। ओके तो यहाँ पे पानी भर जाएगा, लेकिन पानी भरेगा तो इससे तो मेरा ही घाटा है ना। ओ भाई क्या करूँ मैं, पानी भर रहा है यहाँ तो, ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, अरे यार ऊपर मैं काम करता हूँ ना, एक सेकेंड मैं फालतू में डर रहा था। पानी यहाँ पे इसके ऊपर आ नहीं सकता है मेरे हिसाब से, मुझे फिर से पानी में डूबना चाहिए। ठीक है ठीक है, पानी में डूब के जाऊँगा क्या इस बार, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है पानी के अंदर डूब के जाने का। इससे बढ़िया तो यही है कि मैं ऊपर की तरफ चलूँ। मुझे यहाँ पे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। ये गेट खुलेगा क्या? ऐसे गेट तो सबमरीन में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सबमरीन नहीं है, किसी टाइप का जहाज है ये। ऑल राइट तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर मुझे कोई रास्ता मिलेगा, तो एक बार इसको पानी को खाली करके देख सकता हूँ क्या मैं। हाँ वाओ पानी खाली भी हो सकता है। और यहाँ पे लाइट क्यों चल रही है? ओके शायद मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ। ठीक है इसको नीचे की तरफ पानी को डालता हूँ, मैं कूदता हूँ यहाँ पे, और मुझे शायद से इसके अंदर जाना है और मैं आ चुका हूँ। वाह इस बार ये पूरा नहीं भरा, मतलब जैसे मैं अंदर आ गया मुझे रास्ता मिल गया अंदर आने का, ये सीन गजब था। खैर यहाँ से चलते ऊपर की तरफ, यहाँ पे वो पानी वाला मॉन्स्टर ना आ जाए। ओके फटाफट से यहाँ के जो प्लैंक्स हैं ये तो हटने वाले नहीं है, नहीं 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 प्लैंक्स नहीं हटने वाले। यहाँ पे मुझे कुछ और करना होगा, यहाँ पर ये जंजीर की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, मुझे लग रहा है कि मुझे यहीं जाना पड़ेगा, लेकिन यार ये निकलने वाले तो है नहीं है। यहाँ की रास्ता है, ओके ठीक है। ये पता नहीं जो टैंक इतने भारी भारी हैं यहाँ पर क्यों दिए हुए हैं। ओ भाई फिर से आ गया मॉन्स्टर, पकड़ ले 6 अपना पकड़ ले, बढ़िया। ये मुझे अब वो जूते वाले मॉन्स्टर की याद दिला रहा है, क्योंकि जूता वाला मॉन्स्टर भी ना मुझे परेशान कर दिया था उसने। खैर यहाँ पे जूता वाला मॉन्स्टर तो नहीं होगा, खैर मुझे अभी सामने की तरफ जाना है, लेकिन सामने की तरफ जाके मैं ठीक है। ओ वाह ये तो भाई खतरनाक है काफ़ी ज़्यादा। ओ ये वही मॉन्स्टर है, समझ गया ये वही वाला मॉन्स्टर है, मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जल्दी 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 जल्दी, नहीं गलत रास्ता चुन लिया मैंने। ओए नहीं नहीं पकड़ लिया मुझे, पकड़ लेगा वो, पकड़ लिया। अरे मुझे ना इन टैंक्स के ऊपर चढ़ जाना चाहिए था, अभी मैं समझा इन टैंक्स को यहाँ पे क्यों रखा गया है। अभी फिर से ट्राई करते हैं, चलो ये आ गया मैं पानी के अंदर और ये चढ़ गया मैं इसके ऊपर। यहाँ से जाऊँगा मैं सामने की तरफ, चढ़ूँगा इसके तरफ। ओ भाई थोड़ा जंप ज़्यादा तेज लगानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है चढ़ जा चढ़ गया पास। अभी यहाँ से इसके ऊपर। ओ नहीं 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 क्या कर रहा है, जंप कर, बढ़िया। इसके ऊपर से तो मुझे आसानी से गिरा देगा वो, तो मुझे करना क्या चाहिए? मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए जल्दी, बढ़िया बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया। ओके क्या है ये, पकड़ लिया क्या? नहीं नहीं अभी नहीं पकड़ा उसने। ओ भाई क्या अब तो नहीं पकड़ पाएगा वो मुझे, अब तो मैं यहाँ से सीधा चला जाऊँगा ऊपर से होते हुए। ठीक है यार ये कैसा मॉन्स्टर है, पूरी जगह पानी है और यहाँ पे अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे फिर से पकड़ लेगा, यानी कि मुझे यहाँ से होते हुए उस वाले कंटेनर पे जाना पड़ेगा, फिर उस वाले कंटेनर पे, फिर मैं उस लीवर को गोल गोल घुमा के शायद से यहाँ का पानी जो है खाली कर सकता हूँ। यही मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि ये मेरा यहीं पे इंतज़ार कर रहा है। ठीक है वो सामने ही है, उसी कंटेनर के पास है वो। चलो ओ भाई नहीं
क्या गलत जगह लैंडिंग हुई मेरी। ओके पकड़ जा जल्दी 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 जल्दी, बच गया मैं। यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा फटाफट से, बच गया मैं। लेकिन मैं सामने की तरफ ही तो जा सकता हूँ। हाँ अब ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से उस लीवर को ना घुमा के मैं इस वाले लीवर को घुमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जंप कैसे करूँगा ना, मुश्किल है। इसके ऊपर जंप पॉसिबल नहीं है। वैसे ये खिसक सकता है क्या? खिसक सकता है तो काम आएगा, नहीं तो किसी काम का नहीं है ना। खिसक नहीं सकता ये तो, मतलब कि मुझे लग रहा है मुझे सामने की तरफ जाना पड़ेगा। बट उससे होगा क्या ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे इसके नीचे भी तो एक ये है, इसको मैं खिसका नहीं सकता। अगर यहाँ पे छेद होते ना बगल में तो मैं खिसका सकता था इसको। ओके मैं समझ गया, मुझे इसके ऊपर जंप करना चाहिए। ये पकड़ा मैंने, यहाँ से चलो इस साइड और यहाँ से मारो एक जंप, बस अभी इसको घुमा सकता हूँ मैं। चलो ठीक है, इस पोटली को अगर ये ऊपर कर देगा, लेकिन इस पोटली को ऊपर होने से क्या मतलब है मेरे साथ? ओ भाई ये किसी का हाथ है इसके अंदर, मतलब। ओ नहीं 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 नहीं, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है ठीक है। ये मैंने कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं कर दिया इसको? हाँ बस अभी सही है। अभी मुझे इसके ऊपर जंप करना है और जंप के थ्रू मुझे सामने की तरफ जाना है, ठीक है। 1, 2 and 3 पकड़ लिया मैंने। मैं जा सकता हूँ, मरवा दिया मरवा दिया, पकड़ लेगा मुझे। अरे यार मुझे थोड़ा सा सही तरीके से जंप करना था। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इस बार ना मैं इसको उतना ज़्यादा ऊपर नहीं रखने वाला, थोड़ा सारा नीचे के साइड ही रख दूंगा, जिससे कि इसके ऊपर जंप करने में आसानी हो। इतना सही है? नहीं नहीं और ऊपर, मेरे हिसाब से इतना ठीक रहेगा। बढ़िया। ओ चलो 1, 2 and 3 पकड़ लिया। ओके ओ ठीक है, इस बार इसने सही पकड़ा है, क्या बात है। मुझे लग रहा था मुझे इसको नहीं पकड़ना है। यहाँ पर ही क्या चीज़ है? ओ भाई एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ये ऊपर से ये, ओके समझ गया मैं। मतलब कि अगर मैं इनको यहाँ, ओ मछली, अरे नहीं 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 नीचे की तरफ गिरी। हाँ बच गया बच गया बच गया। मतलब मैं समझ गया कि अगर मैं इसको वहाँ फेंकूँगा ना, और ये आती जा रही है, मतलब इनका कुछ ना कुछ यूज़ तो है। समझ गया मैं, एक काम करता हूँ इसको उठा के मैं फेंकता हूँ वापस से यहाँ पे, ठीक है ठीक है। अभी वो वापस से यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए आएगा। आजा 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 आजा, ठीक है। और मैं यहाँ से भागो 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 भागो, बस वो पीछे की तरफ भागता है, और मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। और मैंने कर लिया, बढ़िया। ओके फाइनली मुझे ऊपर की तरफ जाना है, उसके लिए यहाँ पे। लेकिन अभी तक वो लड़की क्यों नहीं मिली मुझे यार, वो समझ नहीं आया मुझे। यहाँ पर गड़बड़ नहीं, यहाँ पर ये प्लैंक को मुझे लटकाना पड़ेगा। ये हुई ना बात। हाँ तो मुझे लड़की है वो अब तक मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिली, कहाँ कब मिलेगी क्या मिलेगी कुछ पता नहीं उसका। खैर मैं अभी इसको नहीं उठा पा रहा, एक सेकेंड। ये क्या सीन है? ओ ओके ओ भाई 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 भाई, वाओ ये आइडिया तो एकदम बढ़िया था। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाएगा फिर से, है क्या इधर मॉन्स्टर? भाई ना हो तो बढ़िया है, लग तो नहीं रहा मुझे। ओके तो यहाँ पर भी एक लीवर है, इसको मैं, ये पानी खाली हो जाए ना बस, फिर उस मॉन्स्टर को बता दूंगा मैं। ओके खाली हो भी गया, वाओ
तो ये ना किसी का घर लग रहा है मुझे, और अगर मुझे नीचे की तरफ जाना है तो मैं इनके थ्रू जा सकता हूँ। ये हुई ना बात, और वो मुझे जो मॉन्स्टर है वो यहाँ परेशान भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यानी कि मुझे इसकी चाबी चाहिए, और चाबी मुझे क्यों मिलेगी, कहाँ मिलेगी ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर कोई ना कोई है, यहाँ पर इसके अंदर किसी ने किसी को बंद करके रखा हुआ है, कौन है वो मुझे देखना पड़ेगा। ऑल राइट, इसको भी अटकना था। ठीक है, मैं जंप लगा सकता हूँ इतनी तो। ओके, इसके अंदर कौन है? हेलो हेलो, ओ ए भाई 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 स्लैम है इसके अंदर, मरवा दिया मरवा दिया। इसके अंदर तो स्लैम है, क्या करूँ स्लैम का मैं, तो मेरे पीछे आएगी। नहीं 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 नहीं, बच गया मैं। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा जल्दी, बस अब ये मेरा कुछ कर नहीं सकती। और मैं यहाँ से जा सकता हूँ सीधा ऊपर। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे एक नई जगह है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है थोड़ी पड़ी है। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं उड़ी थी, पानी के अंदर करंट लग रहा है मुझे। हाँ अभी पानी के अंदर करंट नहीं है, क्योंकि उसका जो वायर है वो ऊपर की तरफ आ गया है। ये ओ ये हुई ना बात, और यहाँ पे एक बैग भी रखा हुआ है, तो उसके थ्रू तो मैं चढ़ सकता हूँ ऊपर। चढ़ जा, जंप। अरे मेरे हिसाब से यहाँ पर ना इसका कुछ और यूज़ है, क्योंकि जंप नहीं कर रहा। मैं समझ गया, वहाँ पर ना एक और बैग पड़ा हुआ है, इसको मुझे पानी के अंदर डालना पड़ेगा पहले। अभी मैं इसको आगे की तरफ लेके तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एक के ऊपर एक कैसे रखने वाला हूँ ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक के ऊपर भी एक जाने नहीं वाले। इस लाइन को खोल सकता हूँ क्या मैं, सीवर वाली लाइन को? जा, तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है, ये ऐसे काम नहीं करने वाले। मुझे क्या लग रहा है कि मुझे ना इनको ऐसा सपोर्ट बनाना चाहिए उस साइड में जाने के लिए, और जब मैं पानी भरूंगा तो ये दोनों के दोनों ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, और अगर मैं इनके ऊपर लैंड होके उस साइड जंप करूंगा तो शायद से मुझे जो करंट है वो भी लगने वाला नहीं है। तो इनको ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं जंप करूँगा ना तो मैं यहीं से करने वाला हूँ, मतलब मुझे यहाँ पर पानी जो है ना फिर से भरना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। चलो एक तो मैंने लगा दिया, थोड़ा सा इसको और आगे कर दूँ बस इतना, ठीक है। इस दूसरे वाले को भी वहाँ लगा देता हूँ। ऑल राइट, तो इन दोनों को तो मैंने लगा दिया, अभी फटाफट से ऊपर चल के यहाँ पानी को जो है फिर से भर देते हैं। ये भरा पानी, भर दे। अभी बस मुझे जंप करते करते आगे की तरफ जाना है, और यहाँ पर जो पानी है उसमें करंट आ चुका है, यानी कि अगर मैं पानी के अंदर डूबाना तो यहाँ पर मौत पक्की है मेरी। ओ भाई बच गया बच गया, बाल बाल बच गया। चलो यहाँ पर स्लाइम है क्या, गड्ढा है क्या ये? यहाँ से ये है वो मॉन्स्टर। चलो इसकी शक्ल तो देखी गई, खैर अभी ये नीचे है, और काश वो करंट नाम में इसके अंदर छोड़ पाता बेचारा मर ही जाता। लेकिन यहाँ पे अभी जाए कैसे जाए ये मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर जंप करना चाहिए, फिर सामने की तरफ, फिर उस साइड में, और फिर देखी जाएगी क्या करना है। और मेरे हिसाब से वहाँ पर ना कुछ पड़ा भी हुआ है, और ये ना यहीं पर ही है। तो ये लगाई मैंने जंप, और वो आ चुका है मेरे पास। ओ
अरे यार मैं तो उसके ऊपर खड़ा हुआ था प्लैंक के ऊपर, उसने मुझे तब भी पकड़ लिया। वाह, मतलब कि मुझे फटाफट से जंप करके वहां से निकलना पड़ेगा, नहीं तो ओ भाई मैं वहीं पर ही हूँ। माय गॉड, ठीक है जल्दी 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 जल्दी। गलत हो गया शायद शायद सही हुआ है क्या? मैं जंप क्यों नहीं कर पाया? मेरे हिसाब से मुझे उस साइड से नहीं, सामने के साइड से जंप करनी चाहिए थी। ओके ओ भाई मरवाएगा क्या ये? बच गया मैं, लेकिन मुझे पता, ओ भाई मुझे पता था मैं ज़्यादा देर तक वहाँ टिक नहीं पाऊँगा। इस बार ना सामने की तरफ से चढ़ने का ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ अभी आ गया ना, और यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है, शायद से मछली है और मैं इसे फंसा सकता हूँ अपने जाल में। ये क्या, जाओ उधर चल। जल्दी 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 पकड़ पकड़ ले, जल्दी पकड़ ले यार पकड़ ले। क्या कर रहा है ये भाई? गलत है यार इसका, यार ये पकड़ता क्यों नहीं है यार? ये इतनी मुश्किल से उसको ना मैंने चकमा दिया था। इस बार जल्दी जल्दी करता हूं मैं। ये मैंने दिया उसको चकमा, चल जा उधर जल्दी। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पकड़ ले पकड़ ले, ये भाई पकड़ नहीं रहा है। हाँ मजाक कर दिया था नहीं तो यार इसने। चलो अभी मुझे सामने की तरफ जाना होगा। 1, 2 and 3 पकड़ लिया, अभी मरूंगा मैं। ओके मुझे लगता है मुझे अभी सामने की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन कैसे, क्योंकि वो तो यहीं पर ही घूम रहा है। चलो 1, 2 भाग के जाऊंगा तो शायद से बच जाऊं। ये हुई ना बात, जल्दी 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 भर गया। बढ़िया पकड़ ले। ओ शिट जंप नहीं कर पाया मैं। इस बार पकड़ लेगा, इस बार पकड़ लेगा वो। अरे यार एंड पे आ गया था मैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये चेक पॉइंट हो गया है, मतलब कि मैं शायद यहीं से आऊंगा। नहीं हुआ, चलो अबे बच गया, कितना कितना बच गया यार मैं। सही जंप नहीं लगी। ये जंप क्यों, ये यार फास्ट स्प्रिंट क्यों नहीं कर रहे? ये हुई ना बात, पकड़ ले बस। अबे नहीं, जल्दी से जंप करना चाहिए था मुझे। इस बार पकड़ लेगा ये मुझे, 100% पकड़ लेगा ये मुझे। बच गया मैं। ओ भाई कितना खतरनाक है। चलो ओ बच गया। मुझे बोट में जाना है क्या? पकड़ ले। वाह ओ हिलती है क्या ये बोट? ठीक है रस्सी से बंधी हुई है, और जो मॉन्स्टर वो भी आगे की तरफ मेरा इंतज़ार कर रहा है, यहीं पर ही है वो। मुझे जंप करनी होगी, तेज़ी से जंप करनी होगी। जल्दी 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 बस अब कर ले मेरा क्या कर रहा है तू। फाइनली उस मॉन्स्टर से बच गया मैं। मेरे हिसाब से अभी वो मरा नहीं है ठीक से, मुझे मारना पड़ेगा उसको। खैर ये एक नई जगह है, और यहाँ पर ना मेरे हिसाब से कुछ लीवर वगैरह लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर ना बटन भी दिया हुआ है एक। ओके लीवर उस साइड में है, ठीक है, मतलब मुझे उस साइड में जंप करना पड़ेगा। चलो
1, 2, and 3 मर गया मैं। इससे बढ़िया था पानी में डूब जाता। चलो कोई बात नहीं, इस बार तो मैं पानी में कूदने वाला हूँ। ये मारी मैंने डुबकी। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, एक बार ट्राई करता है। अबे पकड़ ले, पकड़ लिया। ठीक है, तो लीवर को मैं फेंकता हूँ नीचे, उसके बाद मुझे लीवर को, लेकिन अगर मैं लीवर को नीचे फेंकूँगा तो इसमें लकड़ी लगी है तो शायद से ये पानी के ऊपर सिंक करे। या अगर मैं इसको सामने की तरफ फेंक दूँ तो और ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, ये गया पानी में, गया ये और ये सिंक नहीं किया। वाह, मतलब कि मुझे इस पानी को खाली करना पड़ेगा, जो कि इस बटन से हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस पानी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इस सूटकेस के ऊपर रख सकता हूँ। इस सूटकेस को ना मैं अपने पास लेके आ जाता हूँ, जिससे कि आसानी होगी। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो बात है वो बन चुकी है। फटाफट इसमें पानी भर के ना इसमें लीवर को निकाल के इसमें लगाता हूँ। वैसे पता नहीं उससे क्या होगा, लेकिन जो भी हो कुछ अच्छा ही होगा ना। उठा ले, जोर से फेंक दे, उठ जा। चलो ऑल राइट, तो इससे शायद से, हाँ ये वाला गेट खुल रहा है। बढ़िया, लेकिन ये तो बंद भी हो रहा है भाई। अरे यार, मतलब कि मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे वहाँ पे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। और ये सूटकेस खिसक सकता है क्या? नहीं, खिसक जा। बस इतनी जगह ठीक है। याद है सीधा मैं जंप करूँगा और वहाँ जाके एकदम स्लाइड। चलो ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है मैंने फिर से जो है लीवर को लगा दिया है। अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मैंने जो सूटकेस है उसको एकदम सामने के सामने रखा हुआ है और मैं बच गया। मतलब कि ना मुझे एकदम रन अप लेके नहीं आना था, वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आ जाना चाहिए था। और यहाँ पर पता नहीं इतना अंधेरा क्यों है। एक सेकेंड, यहाँ से किधर चाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो बंद है गेट, यानी गेट बंद है, यानी कि मुझे कहीं और से जाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ रास्ता है। ओ भाई, नीचे की तरफ मॉन्स्टर है। अरे यार, पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं यहाँ से। ऑल राइट, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। चलो वैसे वो वाला जो गेट है ना, इसको यहाँ पे खुलना चाहिए, लेकिन ये गेट यहाँ पे खुल नहीं रहा है। एक काम करूँ, यहाँ पे कोई कुल्हाड़ी वगैरह देखूँ क्या? मैं कुल्हाड़ी वगैरह पड़ी हो तो मेरा काम बन जाए, लेकिन कुल्हाड़ी वगैरह भी यहाँ पर कभी है नहीं है। ओ भाई, ये गेट तो वैसे ही हिल रहा है। ओके, मरवा दिया। एक सेकेंड, वो मॉन्स्टर यहाँ पर फिर से आ गया। ये मेरे हिसाब से कोई नया मॉन्स्टर है। भाई चढ़ जा। ये क्या कर रहा है? ओ हेलो, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन इसके थ्रू मुझे आगे की तरफ जाना है। और वो जो प्लैंक पड़ा है ना, उसके ऊपर जाके मुझे लैंड करना पड़ेगा। वहाँ अगर लैंड नहीं किया तो दिक्कत है, और ये रस्सी टूट गई तो और दिक्कत है। ये मारी मैंने जंप। चलो फटाफट आगे की तरफ बढ़ते चलो। ये मारी मैंने जंप, मुझे पता था वो यहाँ पर आएगा। और सामने की तरफ बस सीढ़ियाँ हो। बच गया मैं, फाल बच गया। ओ भाई, एक सेकेंड, ये क्या चीज़ है? मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, लेकिन कैसे? एक सेकेंड, चलो तो यहाँ पर लाइट चालू की जाए। ओके, मतलब मैंने लाइट चालू कर दी, यानी कि ये वायर जा रहा है उस टीवी के पास, यानी कि जो टीवी है वो चालू हो चुकी है। मॉन्स्टर यहाँ पर नीचे की तरफ है, और यहाँ पर मैं उस साइड में जा सकता हूँ क्या? ओह, बाल बच गया मैं। ये 1, 2 and ओ, इसने लट्टू को पकड़ लिया। मुझे लगा नहीं था कि लट्टू को पकड़ेगा। चलो मुझे उस टीवी वाले के पास जाना है। ओ, यहाँ पर भी कुछ है। ये क्या है?
क्या चीज़ है? मेरे हिसाब से पानी का सिस्टम है, समझ गया मैं। अच्छी बात यह है मैं यहाँ लटका हुआ हूँ। मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अबे जंप कर, जंप कर, जंप कर, जंप कर, बढ़िया। पकड़ ले, पकड़ ले जल्दी, पचे सीढ़ियों की तरह काम कर जाए। बढ़िया, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अबे ठीक है, मैं टीवी को पानी के नीचे गिरा दूंगा तो मॉन्स्टर मर जाएगा, क्योंकि टीवी के अंदर तो लाइट है। बस ये काम करना चाहिए। ये खा दो, टीवी खाएगा, ये ले टीवी खा ले तू। अबे गिरता क्यों नहीं टीवी? ओके, ओ मरवा दिया। शिट, मतलब कि टीवी गिराने के चक्कर में मैं भी यहाँ पे मर गया। तो मुझे क्या लगता है कि मैं ना टीवी को गिराने में थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ, तभी वो जो मॉन्स्टर है वो आ जाता है और उसको हिला देता है, जिससे कि जो टीवी है ना वो नीचे की तरफ जाती नहीं है। तो इस बार ज़रा मुझे अच्छे से उस टीवी को ज़रा जल्दी गिरा देना होगा। और इतना खतरनाक मॉन्स्टर है, इतने बड़े उसको गिरा दिया। मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, टीवी को फटाफट से जल्दी से गिराना पड़ेगा मुझे। जल्दी जल्दी जल्दी, अबे जल्दी 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 जल्दी, नहीं 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 नहीं, उसको आने से पहले मुझे गिरा देना है इस टीवी को। शिट शिट, गिर गई, गिर गई। और ये मॉन्स्टर यहाँ पे मर चुका है। और लाइट भी बंद हो चुकी है, यानी कि यहाँ हो चुका है एक नंबर का शॉर्ट सर्किट। ओ बच गया, मुझे लगा पानी में जाके मैं भी मर जाऊँगा, लेकिन अब मरना नहीं था। अब मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले इस टीवी के ऊपर चढ़ जा। ओके ओके, चलो फाइनली मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया। कम से कम एक मॉन्स्टर तो निपटा यहाँ पे पानी वाला। एक सेकंड, यहाँ पे कोई है क्या? मुझे लग रहा है इसके उस पार कुछ है। बोतल रखी है क्या कोई? अरे यार वाइन की बोतल रखी थी, मैं उसका क्या कर रहा था। फटाफट से यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं, अगर कोई और कोई मॉन्स्टर होना तो उसको भी मैं टपका दूंगा ऐसे ही। ये पता नहीं मैं किस जगह पर हूँ, मुझे ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ वगैरह रखी रहती है, ये जो सीढ़ियाँ इतने बड़े 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 भारी भारी मॉन्स्टर्स, इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ भी पाते होंगे? नहीं चढ़ तो जाते होंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ ये सीढ़ियाँ नहीं है, इनके पीछे ना लोहे का वो भी लगा हुआ है सपोर्ट देने के लिए, जिससे कि वो इतनी जल्दी जो है नीचे की तरफ ना गिरे। ओके, ओ भाई ये क्या स्कैम हो गया? मैं ऊपर बचने के लिए आया था, ये यहाँ पे कोई मुझे मिल गया। ओ वाह, उसने मुझे यहाँ पर किडनैप कर लिया। और मेरे हिसाब से जो सिक्स है वो भी यहाँ पर है क्या, येलो कोट में? और ये जो मॉन्स्टर है अभी शायद मुझे लेके जा रहा है, क्योंकि मैंने येलो कलर का वो जो है पहना हुआ था, और ये मुझे ही लेके जा रहा है। मतलब कि अपना जो सिक्स का जो गेम है वो यहीं से तो स्टार्ट होता है ना? अरे हाँ, मतलब कि अभी मुझे समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिक्स के अलावा कोई और कैरेक्टर था, मतलब जिस कैरेक्टर के साथ अभी अपन खेल रहे थे वो सिक्स नहीं था, वो कोई और था। और मेरे हिसाब से अभी शायद जो सिक्स है वो उसकी जो स्टोरी है वो यहाँ से चालू होगी। लेकिन यहाँ पर ना कुछ और ही होके रखा हुआ है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर वो जो पहले वाली जो डीएलसी है वो शायद मैंने ख़त्म कर दी, और यहाँ पर ये ना नई वाली जो डीएलसी है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि मैं इस बैग के अंदर कब आया क्योंकि वो तो मुझे पता ही नहीं था। और मेरे हिसाब से मुझे ना इसके बाद जो है कंटिन्यू करना चाहिए यहाँ पर लिटिल नाइटमेयर्स के नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो अगर आपको जानना है कि इसके आगे यहाँ पर क्या होने वाला है, कि जो अपना कैरेक्टर है बार बार जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, आखिर में इसके आगे क्या होने वाला है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप ना इसकी जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ना उसके लिए ज़रूर से वेट कीजिए। क्योंकि मेरे हिसाब से इस वाले पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक हमेशा की तरह खुश रहिएगा।